बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शफाउल्लाह के मरने से पहले कहे गए अल्फाज आप सुन लें। नाज़रीन, वो अल्फाज हम आपको इसी वीडियो में सुनाने जा रहे हैं। आखिर शफाउल्लाह ने मरने से पहले ऐसे क्या अल्फाज कहे कि पूरी दुनिया, पूरा पाकिस्तान इन अल्फाज को सुनकर रो रहा है। नाज़रीन, आपको शफाउल्लाह के वो अल्फाज इसी वीडियो में सुनाने जा रहे हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि शफाउल्लाह सिरे की दुनिया के बेताज बादशाह इस दुनिया फ़ानी से कूच कर चुके हैं। जिशान रोकड़ी के वाले शफाउल्लाह इस दुनिया फ़ानी से कूच कर चुके हैं। और नाज़रीन, आपको बहुत बड़ी खबर से हम आगाह करेंगे कि शफाउल्लाह ने आखिर मरने से पहले चंद अल्फाज क्या कहे, वो हम आपको इसी वीडियो में दिखाने जा रहे हैं। नाज़रीन, शफाउल्लाह के जनाजा आज रात 9 बजे मियांवाली में अदा किया जाएगा। नाज़रीन, शफाउल्लाह ने मरने से पहले अपने ड्राइवर से ये कहा कि मेरे चाहने वालों से, मेरे दुश्मनों से, मेरे सब रिश्तेदारों से ये कहना, अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ़ कर देना। मैंने बहुत गलतियाँ की हैं, अगर मुझसे किसी गलती का अजाला नहीं हो सका तो मुझे माफ़ कर देना। नाज़रीन, शफाउल्लाह का ड्राइवर ये बातें सुनकर रो रहा था। शफाउल्लाह ने कहा कि अब मैं बचने वाला नहीं, तो मेरा ये पैगाम तुमने सब तक फैलाना है। नाज़रीन, शफाउल्लाह के ड्राइवर ने यह पैगाम जिशान रोकड़ी को सुनाया और जिशान रोकड़ी ने सबसे दुआ की अपील की है और कहा है कि मेरे वालिद की मगफिरत की दुआ की जाए कि मेरे वालिद को अल्लाह जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। नाज़रीन, आप सब ने शफाउल्लाह के लिए दुआ ज़रूर करनी है और कमेंट में अमीन लिखकर शेयर कर देना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।